तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग को अगर डिफाइन किया जाएगा, अगर दो लाइन में किया जाए, तो सिविल इंजीनियर प्रोवाइड फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन। तो उसके अंदर हम लोग पढ़े थे द सिविल इंजीनियर प्रोफेशन इन्वॉल्व एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सेक्टर में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाए तो उसमें रहने के लिए फैसिलिटी तो सिविल इंजीनियर के द्वारा ही तो बिल्डिंग बनाया जाता है। उसके बाद रोड रोड का डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, और उस पे जो फैसिलिटी है, गाड़ी चलता है, एक तरह गाड़ी चलना भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, वो सब के बारे में पढ़े थे। उसके बाद देज इंक्लूड हाई राइज, ऑफिस टावर, फैक्ट्री, स्कूल, एयरपोर्ट, टनल एंड सबवे सिस्टम, डैम, कैनल एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फैसिलिटी सच एज सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक हम लोग वहाँ उसको स्कूल कह नहीं सकते हैं, तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्लासरूम बना तो वो क्लासरूम का डिजाइन भी सिविल इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। एयरपोर्ट का रनवे का डिजाइन सिविल इंजीनियर के द्वारा, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। चलिए आगे हम देखते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ सिविल इंजीनियर सोसाइटी इज दैट दे कोऑर्डिनेट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सो ब्रॉडली व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल इंजीनियर, इट इज रिस्पॉन्सिबल दैट सोसाइटी वांट और सोसाइटी नीड। तो क्या सोसाइटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर देखता है कि सोसाइटी क्या चाहता है और सोसाइटी का क्या जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सो सिविल इंजीनियर कोऑर्डिनेट द नीड ऑफ सोसाइटी एंड दे व्हाट रिक्वायर्ड इट मेक हैपन विद लिमिट्स विद फैसिलिटी दैट टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल। सिविल इंजीनियर देखता है जो पहले सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट और जरूरत है, उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल दोनों बेसिस पे वहां पे अपने वर्क करते हैं। अगर कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो कितने इकोनॉमिकली में बन जाए, और मतलब कितने मतलब उस वर्कबिलिटी भी हो, मतलब फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हुए और अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा वो बनाता है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं टेक्निकल मीन्स क्या होता है। इट इज पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव हेयर, इट इज पॉसिबल विद द रिसोर्स दैट वी हैव देयर, मैन पावर और रॉ मटेरियल। एंड सिविल इंजीनियर ऑलवेज इज डिटरमाइंड, और द स्कोप ऑफ इंजीनियर्स इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक, इट इज कॉस्ट ऑल्सो बिकॉज समबडी हैव टू पे फॉर दिस फैसिलिटी, एंड इट इज पब्लिक विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे फॉर दिस फैसिलिटी, सो दैट इज देयर आर लिमिटेशन, देयर आर कंस्ट्रेंट ड्यू टू द इकोनॉमिक। सिविल इंजीनियर आर कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट बिकॉज व्हाट वी डू एज ए सिविल इंजीनियर इफेक्ट पीपुल डायरेक्टली। तो होता क्या है, जो कोई भी हमको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट में अमाउंट लिमिट रहता है, उस अमाउंट के अंदर हमको हर एक फैसिलिटी दिया जाता है। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, लेबर हो गया या मेन रॉ मटेरियल सब, पर हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कितनी इकोनॉमिकली मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को जितने इकोनॉमिकल बनाए अपने टेक्नोलॉजी से, उसी का टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द पब्लिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो हैव टू गो हैबिट वी हैव टू बी इक्विलिब्रियम विथ द एनवायरमेंट। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा, हमारे पास तो सब कुछ रहता ही है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली और पब्लिक फ्रेंडली कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो वी डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग दैट स्पॉइल द एनवायरमेंट एंड मैक टेक्स इट इज ए पॉइंट दैट इज नॉट रिन्यूएबल और इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। सो द इम्पैक्ट हैज पॉजिटिव ऑन द पीपुल हु आर यूजिंग दिस फैसिलिटी ऑन दिस, एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी निगेटिव और एक्सट्रीमली निगेटिव ऑन द इन्वायरमेंट। सो द इक्विलिब्रियम और दिस बैलेंस इज कैप
इन द माइंड बाय द सिविल इंजीनियर। टेक्नोलॉजी से हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाए वो इन्वायरमेंट को हार्म न करे, और जितने भी मतलब उसका जो निगेटिव जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे ना पड़े, और क्या कहते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करके हम लोग अपना काम करते हैं। यही है टेक्नोलॉजी का मीन्स। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट आर थिंग्स दैट व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ फैक्टर दैट कुड बी इम्पोर्टेंट। क्या क्या हमसे उम्मीद किया जाता है, फैक्टर उम्मीद किया जाता है सिविल इंजीनियर से, उसको देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, सिविल इंजीनियर कंसर्न वेयर दे लाइव, दैट इज द हैबिट वी वांट टू कंफर्टेबल प्लेस वेयर पीपल कैन लिव। सिविल इंजीनियर से लोग उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा चीज बन जाए कंफर्टेबल, लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाए। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाए वो कंफर्टेबल ही नहीं रहा तो फिर इंजीनियरिंग का मतलब ही उसमें कुछ नहीं रहता है, ना टेक्नोलॉजी का मतलब रहता है। तो सिविल इंजीनियर से लोग चाहते हैं वो कंफर्ट फील करवा के दे, मतलब कोई भी चीज बनाए उसमें कंफर्ट हो और इकोनॉमिक हो। यू वांट टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज ए फैसिलिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी वन, मतलब जो भी बेसिक नीड है वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए तो मतलब और वर्केबल हो। तो इस ये सब हम लोग सिविल इंजीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं लोग। इन जनरल दे शुड बी कंफर्टेबल, और सो द प्लेस गिवन फॉर द पीपल टू लिव एंड वर्क शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। जैसे कोई आप बिल्डिंग बनाए या रूम बनाए उसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दिए तो फिर गर्मी के समय में पूरा गर्म रहेगा, तो ये ऐसा भी नहीं चाहिए। तो लोग चाहते हैं कि जो उसको प्रॉपर वेंटिलेशन एकदम कम्फर्ट कंडीशन में लोग रहे, ऐसा हम लोग मतलब सिविल इंजीनियर से उम्मीद करते हैं वो बना के दे। शुड वी हैव प्रॉपर लाइटिंग एंड दे शुड be able to comfortable when they live there or working there, safety is important। और सिविल इंजीनियरिंग का मेन है अगर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है आप सेफ्टी कितना प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं तो कोई भी बिल्डिंग तो कोई दूसरा लोकल ठेकेदार भी बना देता है मगर वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। सिविल इंजीनियरिंग का मेन मतलब लोग जब कोई भी सिविल आपको प्रोजेक्ट अगर कोई काम दिया जाता है कोई भी बिल्डिंग ही बनाने के लिए तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो ये बिल्डिंग कितना सेफ बने और लोगों को कितना कंफर्ट हो, इसका मतलब यही हुआ। आफ्टर अगेन एनी टाइप ऑफ थ्रेट पीपल एंड एनवायरमेंटल नेचुरल हैजार्ड, सपोज एज अर्थक्वेक, सपोज एज द साइक्लोन और हरिकेन, वी वांट टू मेक श्योर दैट आवर फैसिलिटी केप्ट पीपल सेफ। मतलब जब भी कोई बिल्डिंग या अपार्टमेंट बनता है तो सबसे पहले उसमें हम सेफ्टी में देखते हैं जो अर्थक्वेक आए कितने भी तीव्रता से अगर अर्थक्वेक है तो उसमें वो बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। उसके बाद अगर फ्लोड आता है तो फ्लोड में पानी बेसमेंट ऊपर नहीं चले जाए या बिल्डिंग में गिरे नहीं वो देखते। साइक्लोन आए तो उसको रेसिस्ट कर पाए और जितने भी फैसिलिटी उसमें दिया गया है सब मतलब उसी तरह से रहे, उसमें फिर से दोबारा मतलब दूसरा काम ना करने की जरूरत पड़े और लोग वहां पे सेफ रहे। Similarly, if there is a flood in the city, we do not want to building to be unsafe. मतलब अगर बाढ़ आ गया तो नहीं चाहते हैं कि जो बिल्डिंग में पूरा ही पानी में डूब जाए, या कभी कभी देखते सुनते होंगे आप न्यूज में जो बाढ़ के कारण बिल्डिंग गिर गया तो वैसा स्थिति ना आ पाए। पीपुल इन साइड द बिल्डिंग इन आवर फैसिलिटी दैट सिविल इंजीनियर क्रिएट, मतलब जितने भी मतलब फैसिलिटी है वो सिविल इंजीनियर अपने डिजाइन में मतलब हर एक क्रिटिकल कंडीशन के लिए डिजाइन किया जाता है। दे शुड बी सेफ, हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, सो दैट मीन्स दैट पॉल्यूशन वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड मिटिगेट वेल। पीपुल हैव टू मूव विथिन सिटी फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी टू रूरल एरिया बैक एंड फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर जाते हैं तो वहां सिविल इंजीनियर आप दूसरे सिटी बाय द रोड जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं या बाय प्लेन जाते हैं, तो हम लोग जब रोड डिजाइन करते हैं तो ऐसा मतलब ऐसा डिजाइन किया जाए जो लोग कंफर्ट कंडीशन में जाए और फिर वापस चले आए, या ट्रेन से ही जाते हैं तो ट्रैक डिजाइन सिविल इंजीनियर का ही काम रहता है। तो
ट्रैक को डिजाइन कंफर्ट कंडीशन के साथ साथ ही इकोनॉमिकल भी किया जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट का रनवे भी डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से करते हैं। नहीं तो आप अगर गए और कंफर्ट ही नहीं है, या कुछ एक्सीडेंट ही बाय द डिस्कम्फर्ट के कारण एक्सीडेंट है, या कोई रोड डिजाइन हुआ पाथ होल ही हो गया, तो उसके कारण जो कठिनाई होता है वो सब नहीं, सिविल इंजीनियर वो सब को अवॉइड करके और अच्छे से डिजाइन करने के लिए ही किया जाता है।